छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे से आ रही खबर का। जी हां, धरसीवा से कांग्रेस विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो जहां है वहीं से हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प ले, हिंदू के लिए बात करें। बता दें कि रायपुर के रावाभाटा में जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज के 81वें प्राकट्य दिवस पर बड़ी धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अनिता योगेंद्र शर्मा भी शामिल हुई और इस दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम संकल्पित होके हिंदू के लिए बात करें। हम हिंदू एक हों तभी हिंदू राष्ट्र बन सकते। मैं आप सबसे निवेदन प्रार्थना करत है, एक बार आप सबसे निवेदन करा तो एक जयकारा जरूर लगना चाहिए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। गौरव, देखिए अब तक देखा जाए तो बीजेपी हिंदुत्व की राह पर चल रही थी, ये तो स्पष्ट है। अब इनके इस बयान से क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस भी हिंदुत्व की राह पकड़ना चाहती है? जी बिल्कुल, देखिए रितु, मैं यदि बात करूं तो अभी किसी भी मुद्दे को कांग्रेस हो या बीजेपी वो छोड़ना नहीं चाह रही है। छत्तीसगढ़ में यदि मैं बात करूं तो रामायण और रामायण के साथ साथ राम के को लेकर राजनीति चल रही है। और उसी कड़ी में आज जब स्वामी निश्चलानंद महाराज का जो प्राकट्य महोत्सव था उसमें ये शामिल होने पहुंची थी धरसीवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा, और उन्होंने वहां पर मंच से ये कहा है कि जो जहां पर है वहीं से हिंदू राष्ट्र की बात करें और भगवान अपने आप को हिंदुत्व बताते हुए लोगों से जुड़े। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है हिंदू राष्ट्र की जो बात करते आ रहे थे, अभी तक जो धर्म गुरु हैं केवल वही हिंदू राष्ट्र की बात करते आ रहे थे, और उनका साफ तौर पर यह कहना रहता था कि हिंदू राष्ट्र को लेकर काम करना चाहिए और सभी को हिंदू राष्ट्र के लिए ही काम करना चाहिए। उसी में आज अनिता योगेंद्र शर्मा का यह बयान कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने को बढ़ावा देता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इसे लेकर बयान देने में बचती नजर आ रही थी, लेकिन इस तरीके के बयान ने एक बार फिर से जो है राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज कर दिया। बिल्कुल, इस बयान से राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हुई है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी जी, तो वही कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आपकी ही पार्टी के विधायक ने यह बड़ा बयान दिया है। इस बयान की अगर बात की जाए तो आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या पार्टी लाइन से हटकर यह बयान उन्होंने दिया है? रितु जी, बयान को रिपीट कर दीजिए, क्योंकि मैं जब जुड़ा तो मैं बयान सुन नहीं पाया था। आप प्लीज अमित जी, ठीक है, मैं दोबारा लौटूंगी, एक बार फिर से बयान सुनवा देते हैं। राष्ट्र बनाने के लिए हम संकल्पित होके हिंदू के लिए बात करें। हम हिंदू एक हों तभी हिंदू राष्ट्र बन सकते। मैं आप सबसे निवेदन प्रार्थना करत है, एक बार आप सबसे निवेदन करा तो एक जयकारा जरूर लगना चाहिए हिंदू। तो अमित जी, अब तो आपने बयान सुन लिया होगा, तो किस संदर्भ में इस बयान को समझा जाए? अमित जी, देखिए किस संदर्भ में दिए हैं वो तो विधायक जी ही बता सकती हैं, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम सब भारत देश के निवासी और हम सबका भारत के संविधान में पूर्ण आस्था है और हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा कि हम विधायक जी से ही जाने कि किस परिपेक्ष में उन्होंने ये अपना बयान दिया है। तो श्रीचंद सुंदरानी जी, आपने अमित जी को सुना, वो कह रहे हैं कि तो विधायक जी बताएंगे कि किस संदर्भ में दिया है, तो क्या आपको लग रहा है कि बसते हुए नजर आ रहे हैं वो? नहीं, निश्चित रूप से अमित श्रीवास्तव जी मेरे छोटे भाई हैं, बहुत ही मैं बड़ा स्नेह देता हूँ, वो बचते नजर आ रहे हैं। उनको अपने आप को बचाना है, क्योंकि दोधारी तलवार पे खड़े हैं वो। वो अनिता शर्मा जी ने जो कहा उसका वो समर्थन करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की लाइन विपरीत जाती है, और वो समर्थन न करें तो भी उनके लिए दुविधा है। तो निश्चित रूप से वो ये बात को कह के टाल रहे हैं कि वो अनिता शर्मा ही ये बयान का खुलासा कर सकती है। वास्तविकता ये है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को यू टर्न लिया है। कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व की सॉफ्ट हिंदुत्व की बात या हिंदुत्व की बात कर रहे हैं या प्रभु राम की बात कर रहे हैं, जो प्रभु राम के अस्तित्व को नकारते थे। प्रभु राम को कभी उन्होंने राम सेतु के मामले में भी काल्पनिक बताया था, और आज अगर कांग्रेस पार्टी जी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग, सुंदरानी जी कह रहे हैं। क्या कहा रितु जी आपने? सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अब कांग्रेस भी बढ़ रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक हिंदू व्यक्ति हूं और भाजपा तो 1980 में बनी है, और मैंने जिस दिन हिंदू परिवार में पैदा हो गया मैं, उस दिन से मेरा सनातन धर्म को मानने वाला मैं कट्टर हिंदू हूं, और मुझे गर्व मेरे हिंदू होने का।
और रही बात राम जी को मानने की और नहीं मानने की, तो मेरे आराध्य प्रभु श्री राम को मैंने कहा ना, जिस दिन से मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया उस दिन से हम मेरे आराध्य प्रभु श्री राम है। और मुझे लगता है कि हम भाजपा की तरह, जब भाजपा को याद तब आती है मेरे आराध्य की जब उनको नोट या वोट लेना रहता है। तो चलिए चुनाव नजदीक आते हैं तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर यही आरोप लगाती है कि वोट के लिए राम का नाम लिया जा रहा है। खैर ये तो देखने वाली बात होगी कि चुनाव के समय राम किसका साथ देते। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।